Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. This place is different because this is the main room of my house. I am not in my room because Snowy ka kal raat ko operation hua tha. Uske ear mein kuch problem thi, to it had to be operated. And she is sleeping और उसके टाके आए हैं काफ़ी और bandaged और बहुत अच्छे से वो बेचारी सो रही है. किसी तरीके से उसको दर्द भी हो रहा होगा, तो आई डोंट रियली वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर. और थिया सा बहुत जल्दी जग जाती है व्हेन आई फिल्म द वीडियोज़, तो फिर स्लोई भी उठेगी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट दैट. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट सिटिंग हेयर. आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर एंड दैट्स हाउ. सो दिस वीडियो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज. बहुत टाइम से आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग. I've been receiving messages about having a monkey as a pet. कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, and many messages like that मेरे को recently आ रहे हैं. और lockdown की वजह से बहुत सारे लोगों ने exotic pets ले लिए हैं और अब वो लोग आ रहे हैं कि उनको छोड़ रहे हैं, they are releasing them in the wild and stuff like that. तो please अगर आपके पास कोई exotic animal है, कॉन्टैक्ट अस. हम उसको अपने पास रखेंगे जब तक वो अडॉप्ट नहीं हो जाता. वील कीप देम सेफ, वील कीप देम साउंड एंड दैट्स हाउ वी रोल. लेट्स स्टार्ट दिस. आई एम श्योर वेन वी वेर बहुत छोटे थे जब हम तब हमने अपनी नर्सरी अपनी किंडरगार्टन की जो बुक्स थी उनमें पोएम्स देखी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं अबाउट मदारी, मदारियों के बारे में, स्नेक, मंकी चामस के बारे में. एक फीमेल मंकी है, एक बंदरिया को उसने कपड़े पहनाए हुए हैं, उसके मुंह पे लिपस्टिक लगाई हुई है, हाथ में बैंगल्स हैं उसके, और उसके साथ में एक जेंटलमैन की तरह एक मेल मंकी है और उसके उसने शर्ट पहनाई हुई है. एंड पीपल थिंक इट इज़ वेरी क्यूट और आई डिडंट फाइंड इट क्यूट एट ऑल. जब भी बचपन में हम जाते थे और मदारी वहाँ पर बैठ के खेल दिखा रहा होता था, हम उस रुक जाते थे और जैसे ही कुछ ऐसा कुछ इंटेलिजेंट टाइप करता था बंदर, तो जैसे कुछ फूल दे दिया बदरिया को और ऐसा कर दिया, तो पीपल यूज टू क्लैप, दे यूज टू बी हैप्पी. बट आई नेवर गॉट हैप्पी. आई वॉज लाइक व्हेन देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड ऑन मंकीज फेस. इतना ज़्यादा डरा हुआ है वो, इतनी नफरत है उसके दिमाग में, पर तब भी वो बेचारा कर रहा है किसी तरीके से. एज इफ देवर everybody was ignoring their expressions but they were appreciating the efforts. That was not training, that was just and only cruelty. agar aap samajhte hain madari aur sapere ye pratha hai india ki, to aap bahut zyada galat hain. this is not the culture. cruelty kabhi culture tha hi nahi india ka. and this is how it is. सो वी हैव बीन रेस्क्यूइंग मैनी मंकीज. बहुत सारे बंदर हमने रेस्क्यू किए हैं. उनको रेस्क्यू करना इट्स नॉट ईजी. रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसमें यू आर नॉट अलाउड टू फीड द मंकीज, क्योंकि अभी रिसेंटली वो स्ट्रेज में आ गए हैं एंड दे आर स्ट्रेज. दे बाइट पीपल अराउंड, दे स्नैच द फूड और ये सब, पर वो करे क्यों ना, वो उनके पास खाना कहाँ से आएगा, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे. मंकीज़ कभी भी जंगलों में नहीं रहते थे. ये आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसस मकैक्स. दे आर नोन टू लिव अराउंड द ह्यूमन पॉपुलेशन. हमेशा से वो इंसानों के अराउंड रहते हुए आए हैं. आज कुछ टाइम पहले मैंने एक बंदर को देखा, वो बेचारा भागता हुआ जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भागते हुए जा रहे थे. ही वॉज हैविंग अ बिग ट्यूमर. और बंदर पकड़ना इज़ नॉट ईजी एट ऑल. यू नीड द मैन पावर, यू नीड मैनी थिंग्स. मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई बंदर पकड़ूँ. अगर जब तक वो हर्ट नहीं है, वो वुंडेड नहीं है या फिर ऐसा कुछ,
तो तब तो हम पकड़ भी सकते हैं, काफी सारे केसेस आए हैं रोड के एंड ऑल। तो अगर आपको कोई मंकी चाहिए, कोई बंदर का बच्चा पालना है, बिकॉज दे आर सो एक्सप्रेसिव एंड दे लुक सो क्यूट, तो आई हैव अ स्टोरी फॉर यू। कहाँ से आते हैं ये बच्चे? दे आर नॉट कैप्टिव ब्रेड या फिर ऐसा कुछ। सो वील टॉक अबाउट दिस। एक माँ होती है, उसके छाती पर एक बच्चा होता है, बंदर का बच्चा, बंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंकीज, रीसस मकैक्स, और वो उसको दूध पिला रही है, वो उसको साफ कर रही है, उसके साथ खेल रही है, वो इधर उधर जा रहा है, उसको रोक रही है। इट्स गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट। एकदम से एक जाल डाला जाता है और फीमेल अलग हो जाती है, बच्चा बौखला के अपनी मम्मी को छोड़ देता है और फिर बच्चे को पकड़ के आया जाता है झोपड़ा पट्टियों में या स्लम्स में, जहाँ से ज़्यादातर मंकी चामर्स आते हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है और देन दे आर सोल्ड फ्रॉम 500 रुपीज़ to 4,000 रुपीज़। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ, आई हैव एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था, उसमें एक बंदा सड़क पर एक बंदर को लेकर घूम रहा था, किसी ने हमें बताया, और बंदर का बच्चा था, इट वॉज अ वेरी फ्रेंडली छोटा सा बंदर का बच्चा, और ही सेड कि 2500, गिव मी 2500, मुझे 2,500 रुपये दो, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उस बंदे ने बोला मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, तुझे देना है तो दे, और फिर उसने उसको बच्चा दे दिया, तो ही गॉट इन 500 रुपीज। मैंने आई कॉल्ड, जब मुझे पता लगा तो आई कॉल्ड संजय गांधी एनिमल सेंटर, बाय द वे दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब ऐसे इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। आई गिव देम अ कॉल, वहाँ पर एक दो लोग हैं हमारे जानने वाले, तो उनसे मैंने पूछा कि हम ऐसे ले आए क्या उसको, एंड ही वाज लाइक हाँ बिल्कुल आप लेकर आओ। तो हम उसको उठाकर लेकर गए, हमने उससे बंदे से लिया उस बंदर के बच्चे को उठाकर लेकर गए और वहाँ पर छोड़कर आ गए, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। वो रिहैबिलिटेट करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये बच्चा क्या होता अगर लॉकडाउन नहीं होता, तो ये इंसान उससे 5,000 रुपये का एक बच्चा बेचता, 4,000-5,000 रुपये के नशे करके, 500 रुपये भाड़ा लगा के वो दोबारा से जाता और एक बच्चा और पकड़ के ले आता। दिस इज देयर बिजनेस। बहुत बुरा हाल होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बेचारों पर एनिमल टेस्टिंग भी होती है और मेडिसिनल सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इन्हीं के ऊपर पहले टेस्ट होता है, एंड इट इज़ वेरी सैड टू सी दिस। यही है, तुझे याद है, हम तुझे हम याद है, ओए तुझे बचा के लाए थे हम, ओए यो ब्रो, हाँ चाटा मारने वाले क्या, सॉरी यार, ओए सुन ना तुझे याद हूँ मैं, चलो गुड, हाँ ओए अच्छा। आई नो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि ये जो तू इतनी सारी बकवास कर रहा है ये मतलब क्या, तो हम क्या करें? यू कैन जस्ट डू वन थिंग, प्लीज डोंट अप्रिशिएट दीज स्टूपिड थिंग्स। अपने बच्चों को देखकर खुश मत होने दीजिए। इन चीज़ों को लेकर बहुत बहुत अच्छे से अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट अप्रिशिएट दिस। कोई भी सोशल मीडिया पर लेकर ऐसे वीडियो मत डालिए, फोटोग्राफ्स मत डालिए इन लोगों की, और इनको बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, एक रुपया भी नहीं। अगर देना है तो पेट भरिए बंदर का, अपने सामने उसको फ्रूट्स दीजिए, क्योंकि यू विल नॉट बिलीव ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बंदरों का। ये उनके खून तक से नशा कर लेते हैं। यस दे देयर इज अ प्रोसेस जिसमें वो इनका ब्लड निकालते हैं एंड दे स्मोक देयर ब्लड, और बहुत आई रियली वॉन्टेड टू फिल्म दैट। मुझे पता है आप लोग मुझे बिलीव नहीं करेंगे, पर वो मेरे लिए थोड़ा सा डेंजरस था उस सोसाइटी में जाकर ऐसे फिल्म करना, इट वॉज अ लिटिल डेंजरस। तो और जब बंदर बीमार हो जाता है, उसके हाथ पैर काट देते हैं, उसके ऊपर थैली लपेट देते हैं, और फिर वो लोगों के पास जाते हैं एंड दे आस्क फॉर द मनी, क्योंकि दे टेल पीपल कि प्लीज पैसे दे दो और इसका इलाज कराना है। द सेम थिंग जो कि सपेरे करते हैं। मुझे आज तक गालियां पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द स्नेक चार्मर वाली वीडियोज, एंड पीपल आर लाइक कि ये गरीब हैं, इनको क्यों सता रहे हो टाइप्स। तो मैंने तो किसी को मना किया नहीं है मेहनत नहीं करने से, और ये सारे लोग दे चीट यू। प्लीज डोंट अप्रिशिएट दीज थिंग्स। ये इंडियन कल्चर नहीं है, दिस इज नॉट इंडियन कल्चर।
कभी इंडियन कल्चर क्रुएल्टी था ही नहीं. तो प्लीज डोंट बिलीव देम, प्लीज डोंट सपोर्ट दिस. अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाइए एंड बी अगेंस्ट दिस. एक भी रुपया मत दीजिए, चाहे मंडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, आई डोंट रियली नो कौन सा दिन होता है. प्लीज डोंट सपोर्ट दिस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज. बहुत सारे लोग मेरे को अपनी रेस्क्यू वीडियोज भेजने लगे हैं एंड दे टेल मी कि हम पहले डरते थे पर अब हमने सांपों की जान बचाई और इसकी भी जान बचाई. आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑल्सो. अभी तक जो जितने रेस्क्यू सक्सेसफुल हुए हैं, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइज. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है आपको शेयर करनी चाहिए एंड राइट समथिंग इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. यू नो लेट्स चिट चैट. आई नो मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इन रेस्क्यूज वगैरह में हूँ तो आई एम रियली सॉरी आई कांट रियली कम्युनिकेट दैट मच. पर हाँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई कैन अश्योर यू दैट. तो थैंक यू सो मच अगेन. तो हमेशा की तरह जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो. घर के आस पास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. And this is how it is. Be wild and be safe.